और फिर फरमाया वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता है जो एहसान करते हैं। हमने पहले भी अर्ज किया था और नुक्ता चूंकि अहम है इसलिए फिर अर्ज करते हैं कि हम इतने गिरे हुए लोग हैं, इतनी गिरी हुई कौम है कि हम एहसान करने वाले तो कुजा एहसान की बर्दाश्त की कुव्वत भी अब खो चुके। मालिक एहसान करता है और कहता है कि ये गर्मियां आ गई हैं, ये लो 500 रुपए रखो आम खा लेना, ये सर्दियां आ गई हैं, यार फलां जगह पे कोट अच्छे बिक रहे हैं, ये लो पैसे अपने बच्चों के लिए ले जाना। ये एहसान जो उस आदमी ने किया है, ये एहसान फरामोश इतने हम हो गए हैं कि इस एहसान को जज्ब करके शुक्र अदा करने की सलाहियत से भी महरूम है। घर आएगा, दोस्तों से मिलेगा, क्या यार 5000 की क्या वैल्यू है, मैं इतनी खिदमत करता हूँ कम से कम 10000 तो देता ना, क्या यार उससे बताया है आम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इसका क्या फर्क पड़ता है, इतना काम कराता है, दे दिया तो क्या हुआ। इसका मतलब है हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि अगर कोई एहसान कर दे तो उसके एहसान की कदर और उसका शुक्रिया अदा करने के बावजूद कि ये तो नहीं करने, लेकिन उसकी बुराई जरूर कर।